जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। अच्छा जी बेटा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम स्पाइन खत्म कर चुके हैं और आज हमने पेरिफ्रीज शुरू को स्टार्ट करना था। उसमें से हम लोअर लिम को पहले स्टार्ट करेंगे। लोअर लिम में हम हिप जॉइंट स्टार्ट करने लगे हैं और आज जो हमने चीजें पढ़नी है हिप जॉइंट की, वो है हिप जॉइंट बेसिकली उसका क्या है, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, जॉइंट हाइपोमोबिलिटी जो बेसिक चीजें हैं देखने वाली, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, और एक्सरसाइज इंटरवेंशंस हैं जो हमने देखनी आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हिप जॉइंट आप जानते हैं लोअर लिम का वेट बेयरिंग जॉइंट है। ट्राई एक्सियल जॉइंट होता है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो थ्री डायरेक्शंस के अंदर है। थ्री डायरेक्शंस में सिक्स मूवमेंट्स जो है वो पॉसिबल हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन और बोथ रोटेशंस, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशंस। स्टेबल जॉइंट है अगर उसकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें, और वेट बेयरिंग, मेजर वेट बेयरिंग आपका जो है वो जॉइंट है लोअर लिम का। और इस पे जो आम रूटीन में हम डेली एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसमें हमारे हिप की 120 डिग्रीज फ्लेक्शन, 20 डिग्रीज एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा रिक्वायर्ड है हमें आम हमारी एक्टिविटीज में। जो नॉर्मल हमारी वॉकिंग है या स्टेयर क्लाइंबिंग है या उठना बैठना, बेड मोबिलिटी, ट्रांसफर, टॉयलेटिंग, बातें, इन सारी चीजों में एडीएल्स में हमें ये चीजें रिक्वायर्ड है, हमें ये मूवमेंट्स और ये इस रेंज में रिक्वायर्ड है। अदर देन दैट बाकी जो मूवमेंट्स हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गई, आपके जिम ट्रेनिंग हो सकती है, कोई वर्कआउट हो सकता है, एक्सरसाइजेस हैं, एनी अदर थिंग, या आईएडीएल्स में अगर हम चले जाएं तो उसमें फिर वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, मूवमेंट टू मूवमेंट आपकी ये रेंजेस जो है वो वेरी कर सकती हैं। बेसिकली जो इसका काम है इस जॉइंट का वो ये है कि जो फोर्सेस आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी से आ रही हैं, जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस आपको आ रही हैं, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर करना, ठीक है, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, आपकी स्पाइन तक पहुंचाना, आपके पेल्विस से होते हुए स्पाइन तक जो है वो पहुंचाना, ठीक है, ड्यूरिंग गेट जो हम हमारे पे फोर्सेस अप्लाई हो रही होती है या अदर एक्टिविटीज जो हम करते हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि आपकी अपर बॉडी का जो वेट है उसको बियर करना है इस पर्टिकुलर जॉइंट में, ठीक है, अदर देन बाकी जो आपके लोअर लिम्स के जॉइंट्स हैं उनके साथ मिलकर। तो जो आपके लंबो पैल्विक और हिप मसल्स हैं बेसिकली, ठीक है, यानी पैल्विस, लंबर एरिया पैल्विस, और फिर पैल्विस और हिप के जो मसल्स हैं वो बेसिकली आपके ये जो मैकेनिक्स है ना उसको, और फंक्शन जो आपके इस पर्टिकुलर जॉइंट का है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी मोबिलिटी, उनकी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन, उनका इम्बैलेंस, वीकनेस, ये सारी चीजें जो है वो आपके हिप जॉइंट को अफेक्ट करती हैं। पेल्विस जो है, पेल्विक गर्डल, वो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी को ट्रंक के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, इसलिए जो हिप जॉइंट है उसका स्पाइनल जो आपकी मोबिलिटी है या स्पाइन के जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर भी इसका अच्छा खासा रोल है। अब जो पेल्विस है, पेल्विस वी ऑल नो कि दो आपके पास जो है वो पेल्विक बोन्स हैं, इनॉमिनेट बोन्स हैं, और वो आर्टिकुलेट करती हैं इंटीरियरली एट द लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस जिसको हम कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्लाइटली जो है वो मूवेबल जॉइंट है,
अगर आप क्लोज चेन की बात करें, क्लोज चेन एक्टिविटीज जिसमें आपका जो प्रॉक्सिमल है वो मूव करता है, डिस्टल एंड्स आपके फिक्स रहते हैं, उस टाइम पे पेल्विस जो है दोनों इन नॉमिनेट बोन्स एज अ यूनिट जो है वो काम करती हैं, वो अलग अलग मूव नहीं करेंगी, ठीक है, क्लोज चेन एक्टिविटीज के अंदर. देन कम्स द फीमर जो इसकी एनाटॉमी में आ जाती है. अगला पार्ट हमारे पास फीमर है. फीमर बेसिकली क्या है, आपकी जो फोर्सेस हैं शाफ्ट और जो लोअर लिम्ब से आ रही हैं आपकी फोर्सेस, वो शाफ्ट से होती हुई नेक ऑफ द फीमर और फिर वहां से एसिटैबुलम, और एसिटैबुलम क्योंकि पेल्विस के साथ पे शिफ्ट वहां पे अटैच है, तो ये आपकी फोर्सेस बेसिकली इस तरह से शिफ्ट होती हैं टुवर्ड्स पेल्विस और फिर पेल्विस से फिर आपकी स्पाइन की तरफ. तो जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एनाटॉमिकली जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका नेक शाफ्ट एंगल, जिसको हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं, कि नेक और शाफ्ट का जो एक एंगल बनता है वो 125 नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं एवरेज बेसिस के अंदर, वो नॉर्मल है. अदरवाइज आपकी अगर एंगल बढ़ जाएगा तो ये आपका कॉक्सा वेल्गा की कंडीशन बन जाती है, अगर एंगल कम हो जाता है तो कॉक्सा वेरा की कंडीशन बन जाती है. और एक जॉइंट के अंदर अगर आपकी एनाटॉमिकल कोई एनोमली है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी मैकेनिक्स को जो जिस तरह से डिस्टर्ब करेगी, तो बॉडी आपको जिस तरह से ऑटो के ऊपर फॉर बाय डिफॉल्ट जो उसके अंदर कंपनसेशन की एबिलिटी है, वो बाकी के जॉइंट्स के अंदर जो है वो डिफॉर्मिटीज बनना शुरू हो जाती हैं. उससे नी के ऊपर भी आपकी डिफॉर्मिटी बन जाएगी, इवन आपका एंकल जो है वो उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करेगा, तो ओवरऑल आपकी बॉडी की जो मैकेनिक्स है और फोर्सेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, अल्टीमेट आपके स्ट्रेसेस जो है वो बढ़ जाएंगे. इसके अलावा जो दूसरा एक एनाटॉमिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है फीमर के अंदर, वो है एंगल ऑफ टॉर्जन, जो कि 8 to 25 डिग्रीज होता है अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस जो कंडाइल्स हैं इसके फीमर के वो और आपकी नेक को फीमर के दरमियान में अगर दो लाइंस ड्रॉ करें तो हमारे पास जो एंगल आता है अगर वो 8 to 25 डिग्रीज है तो वो नॉर्मल है. अदरवाइज ये इसमें कम या ज्यादा होने की वजह से इसका मतलब ये होगा कि आपकी फीमर का हेड जो है वो या तो इंटीरियरली प्लेस्ड है, रोटेट हुआ हुआ है, या वो पोस्टीरियरली रोटेट हुआ हुआ. इन ईदर केस अगेन आपकी बायोमैकेनिक्स क्या है, चेंज हो जाएगी और फोर्सेज जो है वो आपकी ऑल्टर कर जाएगी, जिसको हम एंटी वर्जन और रिट्रो वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है. अगर इंटीरियरली वो रोटेट हुआ हुआ है तो वो एंटी वर्जन है, अगर वो पोस्टीरियरली रोटेट हुआ हुआ हेड है तो उसको हम रिट्रो वर्जन कहते हैं. अब इसकी जी मैम ये दोनों एंगल जो है नॉर्मल है ना? हाँ, ये दोनों नॉर्मल एंगल्स जो है वो राइट नाउ नॉर्मल है, 125 नॉर्मल है और दूसरी तरफ 8 to 25 नॉर्मल है. ओके मैम, यानी कि इनसे ज्यादा और इनसे कम अगर होंगे तो फिर वो नॉर्मल एंगल्स होंगे. अच्छा, अब हिप की जो जॉइंट की मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, काइनेमैटिक्स की अगर बात करें कि जॉइंट के अंदर इटसेल्फ क्या जो है वो हो रहा है, तो स्ट्रक्चर वाइज ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. एक आपका ज्यादा जो है वो कन्वेक्स पार्ट है और दूसरा कनकेव पार्ट है, ठीक है. ट्राइएक्सियल जॉइंट है, स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलर कैप्सूल है, यहाँ पे यहाँ के लिगामेंट्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा भी है क्योंकि सपोर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसीलिए ये शोल्डर की कंपैरेटिवली ये काइंड ऑफ ज्यादा स्टेबल जॉइंट है, क्योंकि शोल्डर के अंदर एक तो एनाटॉमिकली जो ग्लेनॉइड कैविटी है वो शैलो है, ठीक है, ज्यादा डीप नहीं है, इस वजह से भी वहां पे जो इंस्टेबिलिटी है उसके चांसेस ज्यादा हैं. आपने ज्यादा सुना होगा कि शोल्डर रिकरेंट बेसिस के ऊपर डिसलोकेट होता है, हिप डिसलोकेशन आपने बहुत कम सुनी होगी. बच्चों के केस में होता है, वो और डिजीज है, वो जेनेटिकली काइंड ऑफ डिजीज है, बट हिप की डिसलोकेशन जो है वो इतनी कॉमन नहीं है. रीजन क्या है कि आर्टिकुलर कैप्सूल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लिगामेंट्स यहाँ पे ईच एंड एवरी साइड पे प्रेजेंट है और वो अच्छे खासे स्ट्रांग है. उसमें आपके पास इलियोफेमोरल लिगामेंट है, प्यूबो फेमोरल लिगामेंट है, इस्कियोफेमोरल लिगामेंट है, वो जो तीनों की तीनों बोन्स है आपकी एक पेल्विक बोन की, उन सब से जो है वो लिगामेंट्स आ रहे हैं और वो आपकी हिप जॉइंट को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक तरह से स्टेबल कर रहे हैं. टू हिप जॉइंट्स आर लिंक टूगेदर थ्रू टू जॉइंट्स, सेक्रोइलियक एंड लंबोसेक्रल जॉइंट, ठीक है. अब दो जो हिप जॉइंट्स हैं वो किस तरह से अटैच हैं एक दूसरे के साथ, एक तो पेल्विस की आपस में जो जॉइंट है दोनों पेल्विक बोन्स के, और फिर पेल्विस जो है वो फिर आपके स्पाइन के साथ जिस तरह से सेक्रोइलियक जॉइंट्स के साथ अटैच है वो जॉइंट्स, ठीक है.
सेक्रोइलियक भी है और लंबोसेक्रल भी है, ठीक है, ये इस तरह से आपकी ये अटैचमेंट आती है। अब लिगामेंट्स जो हैं, ये जो इलियोफेमरल है और प्यूबोफेमरल लिगामेंट है, ये इंटीरियरली आपके लोकेटेड है। इसकियो फेमरल लिगामेंट, क्योंकि इसकी बोन आपकी जो है पोस्टीरियर साइड पर, लोअर साइड इंटीरियर साइड आ जाती है, वो आपकी ये इसकियो फेमरल लिगामेंट पोस्टीरियर साइड पे है। अब इन तीनों में से भी जो आपका इलियो फेमरल लिगामेंट है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। वैसे भी ये क्या है कि ये वाई शेप का है, क्योंकि इसमें बाइफर्केशन आ जाती है, तो इसकी अटैचमेंट जो है वो है टू साइड्स है, एक ही लिगामेंट लेकिन ये वाई शेप का है, ये दो तरफ से आपको क्या कर रहा होता है, रीइंफोर्स कर रहा होता है। बेसिक जो इन सारे लिगामेंट्स का काम है ना, उनका एक मेजर फंक्शन है, अलग अलग भी है, इकट्ठे कलेक्टिवली इनका जो काम है, फंक्शन है, एक्सेसिव हिप एक्सटेंशन को ये रोकते, एक्सेसिव हिप एक्सटेंशन को इन्होंने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। इसके अलावा भी कुछ और इनके अपने अपने इंडिविजुअल काम भी, जो इलियोफेमोरल लिगामेंट है, क्योंकि ये इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, तो ये विच इन रीइंफोर्स द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कैप्सूल, लिमिट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप। मैं आपको साथ साथ इसकी डायग्राम्स भी दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से आपका जो है वो इलियोफेमोरल लिगामेंट रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, वाई शेप है। इसका काम क्या है कि एक्सटर्नली रोटेट करना फीमर को ज्यादा नहीं होने देता, इसको प्रिवेंट करता है। अब आप जरा खुद गौर करो कि ये पिक्चर आपके सामने है, इसमें फीमर जो है वो एक्सटर्नल रोटेट कर रही है, ये हेड यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है, निकलेगा जहां तक इसको अलाउ करेगा, इसके बाद ये आगे से उसको पुल करने वाली ये चीज फोर्स बैठी हुई है ये, ठीक है, ये लिगामेंट यहाँ पे अटैच है, ये जब अपनी लिमिट अपनी लैक्सिटी को क्रॉस करेगा, उसके बाद इसने टाइट होना है और टाइट होके इसने इसको खींच लेना है, रोक लेगा, इससे आगे उसको मजीद बाहर की तरफ रोटेट नहीं करने देगा, ठीक है, यही काम है आपके लिगामेंट का। इसी तरह से आपका प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है, इज बिलीव टू लिमिट एबडक्शन। अब प्यूबोफेमोरल लिगामेंट की बात कर लेते, ये भी आपका इंटीरियर साइड पे काइंड ऑफ है, तो ये आपकी जो आउटवर्ड मूवमेंट है ये इसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है, एबडक्शन को आउटवर्ड मूवमेंट है, ये इसको पुल करेगा ताकि ये एक्सट्रीम से ज्यादा ना जाए। देन वी हैव इस्टियोफेमोरल लिगामेंट, ये आपको येलो कलर में नजर आ रहा, और ये पोस्टीरियर साइड आपको दिखाई दी, ठीक है। अब पोस्टीरियर साइड से हम देख रहे हैं तो ये आपका पोस्टीरियर से जाके आगे जाके आपके अटैच है, तो इसका काम क्या है, ये इंटरनल रोटेशन और एडक्शन को लिमिट करता है, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर साइड पे था, अब अगर गौर करें कि ये अगर इंटरनल रोटेट करा, अब हम पीछे से देख रहे हैं, अब ये इंटरनल रोटेट करेगा तो ये हिप का ये जो ऐसे ये हेड है इसका फीमर का, इसको रोटेट होके इस तरफ बाहर की तरफ मेरी तरफ, ये मतलब सॉरी जो आप जिस तरफ देख रहे हो, स्क्रीन को देख रहे हो, आपकी तरफ आना चाहिए, ठीक है, इंटरनल रोटेट अगर हो रहा है। अब वो क्या है कि ये पोस्टीरियर साइड पे आपको ये चीज क्या कर रही है, प्रेजेंट है, ये आपके हेड को ज्यादा जो है वो ऐसे टैबुलम से बाहर नहीं निकलना देगी, ठीक। तो ये इसके फेमोरल लिगामेंट का वर्क है कि ये इंटरनल रोटेशन और एडक्शन जो है इसको लिमिट करता है। तो ये तीनों के तीनों जो आपके लिगामेंट्स हैं, ये आपकी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी जो मूवमेंट है उसको प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव लिमिट पे जाने पे। और कलेक्टिवली अगर हम देखें तो इनका काम क्या आ जाता है कि ये तीनों मिलके एक्सटेंशन को, हाइपर एक्सटेंशन को क्या कर रहे होते हैं, लिमिट कर रहे होते हैं। मोर मोबाइल लेस स्टेबल, ये सुना था मानूर, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जिस जॉइंट के ऊपर जितनी ज्यादा मोबिलिटी है, दैट मींस कि उसके ऊपर इनस्टेबिलिटी के उतने ही चांसेस हैं। उस चीज को रोकने के लिए फिर वहां पे स्टेबिलिटी कैसे आती है, वहां के फिर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उसको रीइंफोर्स करते हैं कि उसमें स्टेबिलिटी लाई जा सके। यहाँ पे आपको तीन लिगामेंट्स जो है वो मिल रहे हैं। शोल्डर के केस में बेतहाशा लिगामेंट्स है, छोटे 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 काफी सारे आपको जो है वो मेजर मसल लिगामेंट्स भी हैं, छोटे लिगामेंट्स भी हैं, कैप्सूल भी है, लेब्रम भी है, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे आपको स्टेबल करने के लिए प्रेजेंट है। बट एनाटॉमिकल अगर हम देखें तो शोल्डर जो है वो आपका लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू हिप जॉइंट, ठीक है। तो ये रीजन है, स्टिल वहां पे इतने सारे स्ट्रक्चर्स होने के बाद भी शोल्डर के अंदर इंस्टेबिलिटी और रिकरेंट डिसलोकेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब जॉइंट की जो आर्थोकाइनेमेटिक्स है उसमें आपको ये जो याद होगा, आप लोगों ने जो एक्सेसरी मूवमेंट्स पढ़ी होंगी,
कि हर जॉइंट जब मूव करता है तो उसकी जो बोनी सर्फेसेस हैं उनके आपस में जो है वो कोई मूवमेंट उसके ऊपर प्रोड्यूस हो रही होती है, या वो रोलिंग होती है, या वो स्पिनिंग होती है, या वो स्लाइड ग्लाइड होती है। तो ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है आपका, दैट इज दैट फॉलोज कन्वेक्स रूल। कन्वेक्स रूल का मतलब ये है कि आपकी जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन वगैरह, इनकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, आपकी ज्वाइंट के अंदर होने वाली मूवमेंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अगर फ्लेक्शन है तो फ्लेक्शन के अंदर पहले हम स्लाइडिंग को देखते हैं, क्योंकि रोलिंग जो है वो इस फॉर्मूले के ऊपर नहीं चलती। स्लाइड ग्लाइड की हम बात कर रहे हैं, तो फ्लेक्शन है ये आपकी इंटीरियर मूवमेंट है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी स्लाइड ग्लाइड है वो इसके ऑपोजिट जानी चाहिए, तो वो आपकी पोस्टीरियर मूवमेंट होगी। एक्सटेंशन आपकी पोस्टीरियर मूवमेंट है, तो आपकी जो स्लाइड ग्लाइड है वो इंटीरियर आएगी। एबडक्शन आपकी अपवर्ड मूवमेंट है, इसका मतलब है ग्लाइड आपकी जो है वो इंफीरियर जाएगी। और एडक्शन आपकी इंफीरियर मूवमेंट है, इट मींस कि इसकी ग्लाइड क्या जाएगी, सुपीरियर जाएगी, ऑल्दो कि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ती है। इसी तरह से इंटरनल रोटेशन है, ये आपकी जो है इसमें स्लाइड और ग्लाइड जो है वो आपकी पोस्टीरियर साइड पे जो है वो मूव करेगी, ठीक है। और जो एक्सटर्नल रोटेशन है उसमें आपकी ग्लाइड इंटीरियर आएगी। अब रोल की बात कर लेते हैं। रोलिंग में क्या है, अगर आप गौर करो कि आप जमीन पे एक बॉल को जो है वो रोल करते हो, ठीक है, तो रोलिंग के साथ बॉल जिस डायरेक्शन में जा रही है उसका रोल भी तो उसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। आगे को मूव कर रही है, वो रोल कर रही है तो आगे जा रही है, अगर वो पीछे को रोल करेगी तो वो पीछे की तरफ जाएगी बॉल। रोलिंग जब एक कनकेव जो सॉरी कन्वेक्स सरफेस है, जब क्योंकि वो राउंड है, गोल है, तो रोलिंग जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी बोन की, उसकी बॉल की शक्ल होने की वजह से उसके अंदर रोलिंग भी उसी सेम डायरेक्शन के अंदर आएगी। सिंपल सा रूल है। कन्वेक्स जो बॉडी सर्फेसेस हैं जॉइंट्स की, उनमें रोलिंग हमेशा फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो भी है उसी की डायरेक्शन के अंदर होती है। स्लाइड ग्लाइड को हम देखते हैं, डिपेंड करता है कि कन्वेक्स रूल फॉलो हो रहा है या कनकेव रूल हो रहा है, वो ऑपोजिट हो जाता है। तो रोलिंग जो है वो सेम होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, फ्लेक्शन आपकी इंटीरियर है, रोलिंग भी इंटीरियर होगी, एक्सटेंशन आपकी पोस्टीरियर है, रोलिंग भी पोस्टीरियर होगी, एबडक्शन आपकी लैटरल है, वो भी उसमें जो है वो लैटरल साइड पे ही उसकी रोलिंग होगी, एडक्शन मीडियल साइड पे है, इंटरनल रोटेशन अगेन मीडियल है, और लैटरल रोटेशन आपकी मीडियल साइड पर। तो ये सारी जो है वो आपकी क्या है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट आती है, ठीक है। होपफुली ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। अब इसमें जो मूवमेंट्स हैं जो पेल्विस और मसल फंक्शन से आती हैं, वो आपके टिल्टिंग है, इंटीरियर टिल्ट है, पोस्टीरियर टिल्ट है, पेल्विस शिफ्टिंग है, इंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसलेशन है, लैटरल टिल्टिंग है, पेल्विस की रोटेशन आ जाती है राइट लेफ्ट पे, जब हम वॉकिंग भी करते हैं तो ईच एंड एवरी स्टेप के साथ हमारी जो है वो पेल्विस के ऊपर रोटेशन भी आती है, ठीक है। पेल्विस और फेमोरल जो मूवमेंट्स हैं वो आ जाती है, ठीक, कि फेमोरल जो आपके खासतौर पे हिप के ऊपर जो पर्टिकुलर मूवमेंट्स हैं, जो ये अभी हम फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, ये सारी की सारी आ जाती है, ठीक है। इनकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे क्योंकि ये काइनी में भी आपने पढ़ी हुई है और बायोमैकेनिक्स में भी आपने पढ़ी हुई। अब हिप खाली अकेला काम नहीं करता, ठीक है, इसका कोई ना कोई लिंक आपके बाकी के जॉइंट्स के साथ भी है, वो एंकल के साथ भी है, नी के साथ भी है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके ये जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं ये वो है, ठीक है। तो इनका आपके साथ जो बाकी के आपके जॉइंट्स हैं उनके साथ भी आपका लिंक बनता है, ठीक है जी। अच्छा, अब पैथोमैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हिप जॉइंट के ऊपर जो पैथोलॉजीज और मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, मसल वीकनेस हो सकती है, प्रॉपर आपको कंट्रोल नहीं मिल रहा और फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से रेंज में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से, दो इम्बैलेंसेस है ना, कि या तो आपके मसल्स आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या आपके मसल्स टाइट है सॉरी वीक हुए हुए हैं और वो आपको कंट्रोल नहीं दे रहे हैं। अब उसकी वजह से जो हमारे पास प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं, वो पटालो फेमोरल पे इम्पेयरमेंट हो सकती है। अब वो ये नी और एंकल के साथ जो है ना वो हम
इसको लिंक कर रहे हैं कि जो आपके बाकी के वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं उनके साथ पैथो मैकेनिक्स किस तरह से रिलेटेड है। अगर आपके हिप के मसल्स के अंदर इम्बैलेंस है तो आपको पटेलोफेमोरल इम्पेयरमेंट हो सकती है जो कि नी से रिलेटेड है। इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के ऊपर स्ट्रेन के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर हिप से कंट्रोल जो है वो आपका वीक है। इसी तरह से पेरिफॉर्मस सिंड्रोम आ जाता है जो बेसिकली हिप से ही रिलेटेड है बट इसका जो है वो बाकी आपके वेट बेरिंग ज्वाइंट के साथ भी लिंक बनता है। तो ये आपकी जो पैथोमैकेनिक्स है एक ज्वाइंट की वो आपकी बाकी के ज्वाइंट्स को इस तरह से अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, पैटेलोफेमोरल पेन आपको पता है क्या है कि जो कॉर्डिसेप आपके मसल है वो जहां आके अटैच होता है उसके अंदर अगर आपकी प्रॉपर जो है वो कोई टाइटनिंग वगैरह है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पटाला की ट्रैकिंग अगर हुई भी है, पटाला अपनी जगह से हिली हुई है, अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है किसी मसल के टाइट होने की वजह से, तो वो आपके जो फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज कर देती है, ऑल्टर करेगी, तो आपके बाकी के स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा। अब हिप के जो मसल्स हैं उसके अंदर किस किस्म का इम्बैलेंस आ सकता है, इसमें आपके जो कुछ मसल्स हैं वो प्रोन टू वीकनेस होते हैं और कुछ प्रोन टू टाइटनेस होते हैं। ठीक है, लाइक आपका जो टेंसर फेशिया लाटा मसल है ये आपके या ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है इनमें टाइटनिंग की जो है वो एबिलिटी है कि ये ज्यादा टाइटनिंग की तरफ जो है वो जाते हैं। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ TFL ओवर द ग्लूटियस मीडियस मसल, या तो इन दो मसल्स के अंदर शॉर्टनिंग वगैरह हो रही है या आपके या जो TFL है वो ज्यादा जो है वो वर्क कर रहा है, उसकी एक्टिवेशन ज्यादा है, उसका वर्क ज्यादा है और वो ग्लूटियस मीडियस के ऊपर जो है वो वर्क ज्यादा कर रहा है। ठीक है, TFL भी आपका एबडक्टर है और जो आपका मीडियस मसल है वो भी आपका एबडक्टर है। अब इन दोनों के अंदर इम्बैलेंस अगर आ रहा है और TFL अगर आपका ज्यादा एक्टिवेटेड है, उसके अंदर ज्यादा एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है तो भी आपका इम्बैलेंस जो है वो आ जाएगा। डोमिनेंस ऑफ टू ज्वाइंट हिप फ्लेक्सर मसल्स ओवर इलियोसॉस, अब इलियोसॉस का काम भी फ्लेक्शन करना है और आपके जो क्वाड्रिसेप मसल है जो टू ज्वाइंट एक्टिंग मसल है लेकिन वो नी के ऊपर भी अटैच, इनका काम भी हिप लेवल के ऊपर जो है वो फ्लेक्शन प्रोड्यूस करना है लेकिन जो आपका प्राइमरी मसल है वो है इलियोसॉस मसल। अब अगर आपके टू जॉइंट मसल्स जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड हैं, अगर आप उनसे ज्यादा काम ले रहे हो, उनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मसल, तो भी आपका जो है वो फॉल्ट आ जाएगा, इम्बैलेंस आ जाएगा। डोमिनेंस ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स ओवर द ग्लूटियस मैक्सिमस, अब ग्लूटियस मैक्सिमस मसल आपका एक्सटेंसर है, प्राइमरी एक्सटेंसर, हैमस्ट्रिंग भी आपको असिस्ट करते हैं एक्सटेंशन में बट उनका रोल नी के ऊपर भी आ जाता है, टू जॉइंट मसल है, तो अगर हैमस्ट्रिंग टेक ओवर कर रहा है ग्लूटियस मीडियस पे तो सॉरी मैक्सिमस पे तो वहां पे भी आपके इम्बैलेंस आ जाएगा। यूज ऑफ लैटरल ट्रंक मसल्स फॉर हिप एबडक्टर्स, अब अगर हिप एबडक्टर्स का काम है हिप की एबडक्शन करना लेकिन अगर आप उसको छोड़ के आप इम्बैलेंस किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं कि एबडक्शन वाला जो एलिमेंट है वो आप अपनी स्पाइन को लैटरली फ्लेक्स करके साइड बेंड करके कर रहे हैं। ठीक है, वीकनेस की वजह से या कोई भी इशू हो सकता है, आपके फॉल्ट हो सकता है, पोस्चर का फॉल्ट हो सकता है, आपके गेट का फॉल्ट हो सकता है, आपकी इवन सिंपल चलो पेन की वजह से ही आप ये काम करो तो भी आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, आप मसल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से पोस्चर जो है वो ऑल्टोगेदर ऑल्टर हो जाएंगे। इसके अलावा एसिमेट्रिकल लेग लेंथ, ये एक इशू है, यूनिलेटरल शॉर्ट लेंथ होगी, ठीक है, या हो सकती है कॉक्सा वेल्गा और वेरा जो अभी हमने बात की कि नेक शाफ्ट एंगल में अगर डिफरेंस है कम या ज्यादा है तो आपकी जो प्रॉब्लम आ सकता है ये इम्बैलेंसेस का। ठीक है, एंटीवर्जन रिट्रोवर्जन, अगेन वो एंगल ऑफ टॉर्जन की जो बात की थी कि आपका फीमर का हेड जो है वो या इंटीरियरली रोटेटेड है या पोस्टीरियरली रोटेटेड है। अब आपकी जो गेट है डेफिनेटली वो मसल्स के थ्रू ही फंक्शन कर रहे हो ना, तो उसमें आपके जो खास तौर पे गेट के अंदर आपके जो मसल्स इंपॉर्टेंट हैं, हिप फ्लेक्सेस हैं, एक्सटेंसेस हैं, एबडक्टर्स हैं, इनका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, समवट आपके जो इंटरनल रोटेशंस और एक्सटर्नल रोटेशंस है वो भी इंपॉर्टेंट है बट ज्यादा जो ये मूवमेंट्स हैं ये इनका काम आता है। वही बात जो पहले आपको बताइए कि डेली जो एक्टिविटीज हम करते हैं वो 120 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन है, 20 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन है और सॉरी एक्सटेंशन है और एबडक्शन का भी उसमें लिखा हुआ था, एक्सटर्नल रोटेशन का लिखा हुआ था कि ये चीजें जो है ये मूवमेंट्स आपकी ज्यादा यूज होती हैं एज कम्पेयर टू बाकी मूवमेंट्स।
अब इसी तरह से जो हिप में रेफर्ड पेन का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी जो हिप बेसिकली एरिया है वो L3 से इनर्वेट होता है, ठीक है। L3 का एरिया जो है, L3 से जो लेवल से जो नर्व्स हैं वो आपके हिप को इनर्वेट करते हैं। लेकिन L3 जो अगर आप सेंसरी जो आपकी सप्लाई है अगर आप उसको देखें तो ये L3 डर्माटोम जो है ये आगे आपकी फर्दर थाई के अंदर भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो हिप की पेन इस डर्माटोमल पैटर्न की वजह से आपकी थाई में, ग्रोइन रीजन में और डाउन द फ्रंट ऑफ थाई टू द नी लेवल, ठीक है, यहाँ तक आपको जो है वो रेफर हो सकती है कि पेशेंट आपको जो है वो नी लेवल पे पेन का कह रहा है और आपने हर चीज उसकी चेक कर ली है। जब आपने डर्माटोम को चेक किया तो यू विल फाइंड कि उसका जो L3 डर्माटोम है सेंसेशंस वहां पे जो है वो प्रॉब्लम है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। तो माइट बी द रीजन कि आपका वो जो असल पेन है वो आपकी हिप से आ रही है लेकिन डर्माटोमल पैटर्न शेयर होने की वजह से वो आपके नी तक उसको पेशेंट को जो है वो फील हो रही है या उसके फ्रंट ऑफ थाई में फील हो रही है या ग्रोइन रीजन के अंदर जो है वो पेशेंट को फील हो रही है। तो ये हिप का जो है वो डर्माटोमल पैटर्न या रेफर्ड पेन का जो है वो पैटर्न है, ठीक है। ये आपको जो है वो दोनों एरिया दिखाएंगे, इसमें इंटीरियर और लेटरल साइड पे रेड एरिया आपको दिखाया हुआ जो उसका रेफर्ड पेन का एरिया। अब इसमें जो मेजर नर्व्स हैं जो कि या तो इंजर हो सकती है या कंप्रेस होकर आपको पेन कॉज करती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने बहुत कॉमनली सुना होगा शाटेक का पेन, आपकी ऑब्टुरेटर नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है, इंट्रैप हो सकती है, ठीक है। ऑब्टुरेटर फोरामिनास है उसके अंदर इंट्रैप हो सकती है, फेमोरल नर्व है, ठीक है, ये भी आपके जो है वो फ्रंट ऑफ द थाई उसको सप्लाई कर रही है। समटाइम जिसकी जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से जब ये पास करती है तब वहां पे इंट्रैप हो जाती है उसकी जो सुपरफिशियल ब्रांच है, क्यूटेनियस ब्रांच है, वो आपकी बड़ी पेन्स एंड नीडल्स की कंडीशन देती है जिसको मेरालजिया पैरास्टैटिका भी हम बोलते हैं। तो ये आपकी जो है ना वो नर्व्स हैं जो इंजर भी हो सकती हैं। इसके अलावा ऑब्टुरेटर नर्व है ये ड्यूरिंग लेबर और जो प्रेगनेंसी टाइम है उसमें भी इंजर हो सकती है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेच आ सकता है ज्यादा। जो कॉमन सोर्सेज हैं रेफर्ड पेन के इन हिप एंड बटक रीजन, अब हिप और बटक रीजन में पेन आ रही है रेफर होके, वो कहाँ कहाँ से हो सकती है, वो जो नर्व टिश्यूज हैं या वो जो नर्व रूट्स हैं वो बेसिकली वो L1 L2, L3, 3 तो इसका अपना जो है वो लेवल है, S1 और S2 ये पांच आपके लेवल ऐसे हैं जिनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पेन आपको हिप के अंदर या बटक रीजन के अंदर फील हो सकता है। L3 तो इसका अपना लेवल था हिप का कि यहाँ पे पेन है तो इसकी जो डर्माटोमल पैटर्न है उसमें आगे पेन रेफर हो सकती है। अब प्रॉब्लम कहीं और का है, L1 लेवल का पेन है, L1 लेवल के ऊपर जो है वो नर्व रूट इंजरी है, बट क्योंकि अब इसका भी ये जो L1 जो डर्माटोमल एरिया है या जो इसका रेफर्ड पेन का एरिया बनता है ये भी ग्रोइन रीजन, ये आपका हिप और ये इंटीरियर थाई तक ही आता है, तो ये मिक्स्ड चीज है कि ये आपके कहीं और से पेन आ रही है वो आपके जो हिप है उसमें फील हो रही है। अब वो L1 से भी आ सकती है, L2 से आ सकती है, L3 इसका अपना एरिया है, S1 और S2 ये आपके पोस्टीरियर साइड पे बटक्स एरिया को जो है वो सप्लाई कर रही होता है एरिया, S1 और S2 का, तो वो भी आपका हिप और बटक एरिया है, तो वो आपके यहाँ पे पेन आपको फील हो सकती है। नंबर इंटरवर्टिब्रल और सेक्रोइलियर जॉइंट्स की जो पेन है, ठीक है, वो आपके रेफर करती है हिप साइड पे। अब ये तो थी आपकी सारी वो एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, बायोमैकेनिक्स काइंड ऑफ चीजें। अब जो बेसिक हमारा जो थेरापीटिक का काम है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जॉइंट के अंदर हाइपोमोबिलिटी बेसिकली जो एक प्रॉब्लम है वो अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये है कि हाइपोमोबिलिटी क्यों एग्जिस्ट करेगी, क्यों होगी। डीजनरेटिव डिजीजेस क्योंकि वेट बेरिंग ज्वाइंट है, विद टाइम विद एज वेट बेरिंग की वजह से, स्ट्रेसेस वगैरह की वजह से आपके जो ज्वाइंट है उसके अंदर आर्थराइटिस बन सकता है, ठीक है। तो डीजनरेशन जो है वो यहाँ पे कॉमन है, उसकी वजह से हाइपोमोबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। पोस्ट इमोबिलाइजेशन हाइपोमोबिलिटी क्योंकि ये लोअर लिम के अंदर आपके खास तौर पे
नेक ऑफ फीमर और शाफ्ट ऑफ फीमर, इसके जो वो हैं फ्रैक्चर्स वो कॉमन है, ठीक है। अब कॉमन होने की वजह से जब आप फ्रैक्चर के बाद उसकी हीलिंग रिक्वायर्ड है, वो आप ऑब्वियसली 3 वीक्स 4 वीक्स की आपको जो है वो इमोबिलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। आप इस टाइम के अंदर जो आपके कैप्सूल है या जो आपके ज्वाइंट के जो स्ट्रक्चर्स है उनमें एडिशंस बन जाती हैं और वो आपकी हाइपोमोबिलिटी कॉज करती हैं, तो ये जो आपकी पोस्ट इमोबिलाइजेशन हाइपोमोबिलिटी है ये भी आपका एक कॉमन रीजन। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी आ जाती है, एक प्रोसीजर है ये, आप लोगों को सुना तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा होगा कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे, समटाइम्स हम जॉइंट का एक पार्ट रिमूव करके तो उसको उसकी जगह न्यू इम्प्लांट जो है वो लगा देते हैं। अब डिपेंड कर रहा होता है कि वो या तो आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है या आपकी जो है वो बिल्कुल आपकी डेंसिटी जो है वो इतनी कम हो गई भी है उसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, वेट बेरिंग जो है वो आपकी प्रॉपर नहीं हो रही, पेन जो है वो बहुत ज्यादा है नी उसके अंदर हिप जॉइंट के अंदर, फ्रैक्चर्स जो हैं उनकी नॉन यूनियन है और वो प्रॉपरली जो है वो उनके अंदर जो है वो रिडक्शन नहीं हुई, वो उनकी यूनियन नहीं हुई, आपको वो वेट बेरिंग नहीं देंगे, इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, विद टाइम आपकी जो है वो इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है, डिफॉर्मिटी हिप के अंदर जो है वो बन गई है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, डीजनरेशन हो सकती है, ठीक है, इसकी वजह से। या फिर एक अल्टीमेट ये चीज आती है कि अगर जो भी प्रॉब्लम आपके अंडरलाइन चल रहा है आपने उसको कंजर्वेटिवली ट्रीट किया है, उसको मैनेज किया है थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू मॉडिफिकेशन, थ्रू वॉकिंग एड्स, हर तरह की चीज आप लेके देख चुके हैं, बट आपका प्रॉब्लम जो है वो पर्सिस्ट कर रहा है और वो आगे ही आगे प्रोग्रेस कर रहा है, वो आपको आपकी लाइफ को जो है वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, डेली एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस टाइम पे फिर आपका ये जो रिकमेंड होता है टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी, जिसको हम THA भी कहते हैं या THR भी कहीं कहीं कहते हैं, जिसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी इसका नाम है और टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी भी इसका नाम है। आर्थ्रोप्लास्टी बेसिकली वो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसका नाम है, तो उसका दूसरा जो ऐसा नाम कह लो कि उसके लिए हम उसको रिप्लेसमेंट भी यूज करते हैं, क्योंकि हम असल जो पार्ट है जो नेचुरल हिप का जो बोन है उसको रिमूव करके उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट को, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने जो है वो पैरा 1 में इसकी सारी सर्जिकल जो चीजें हैं वो कि क्या होता है, सीमेंटेड नॉन सीमेंटेड हाइब्रिड, ये सारी चीजें पढ़ी थी, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मेरा काम ज्यादा आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा। जी मैम, इसके जो आपने दोनों नाम बताए दोबारा रिपीट कर दें, टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी या टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अब जैसे ये पिक्चर आपको नजर आ रही है कि इसके अंदर आपको ए पिक्चर के अंदर आप गौर करें कि ये आपका पेल्विस है और एसिटाबुलम और ये आपका बिल्कुल साथ जो है वो जुड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको नेक, ये सॉरी फीमर का हेड, ये इतना ज्यादा फ्यूज नहीं होता। नॉर्मल जॉइंट के अंदर इसमें स्पेस होती है जो कि आपके एक सिनोवियल जॉइंट के अंदर स्पेस है, उसमें फ्लूइड भी होगा, उसमें कैप्सूल है, बाकी सारा कुछ। अब जब ये इस तरह से रिड्यूस हो जाए स्पेस के आपके जॉइंट को मूव करने की जगह ही नहीं है और ये इतना ज्यादा आपका जो है वो आर्थराइटिस का केस बना हुआ है, इसमें आपको व्हाइटिश एरिया ज्यादा नजर आ रहा होगा, डेंसिटी यहाँ पर रिड्यूस हुई भी नजर आ रही है, ये आपको जगह जगह से डिफॉर्मिटी काइंड ऑफ बनी हुई है, ये आपको एजेस स्मूथ नजर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, ये सारे ऑस्टियोफाइट आर्थराइटिस का केस आपको इसमें बेसिकली दिखाया हुआ है। ये आपका जब इस तरह का केस बन जाता है तो वहां पे फिर रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होती है, डिपेंड करता है कि किस, या तो सिर्फ एसिटाबुलम की होगी या हेड की होगी, समटाइम्स दोनों की। जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट या टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी हम उसको कहते हैं जब दोनों बोनी पार्टनर्स जो हैं वो ज्वाइंट के रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज उसको हम टोटल हिप नहीं कहेंगे, वो सिंपल आपका आर्थ्रोप्लास्टी होगा या रिप्लेसमेंट जो है वो आपका ट्रीटमेंट हो, लेकिन ये आपकी टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी उस वक्त हम कहेंगे जब आपके दोनों बोनी पार्टनर्स जो हैं उसको हमें रिप्लेस करना पड़े, ये इस तरह से रिप्लेस हुए हैं। यहाँ पे एसिटाबुलम को भी रिप्लेस किया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इम्प्लांट है, और जो ये जो फीमर है उसका हेड और ये नेक,
ये आपकी रिप्लेस हुई भी है, ये इसकी जो इम्प्लांट है ये आपके शाफ्ट तक जा रही है, ये आपका प्रोकेंटर आपको नजर आ रहा होगा, और ये सारा एरिया बाकी का आपका क्या है, शाफ्ट का एरिया। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से आपकी आर्थ्रोप्लास्टी होती है। आर्थ्रोप्लास्टी के कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ अप्रोचेस हैं, ज्यादा मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जब आप रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक 20 इयर्स का जो एक इंसान है उसके हिप जैसा आपका हिप हो गया, ऐसा नहीं है। ऑल्दो कि आपकी वो जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थी वो बड़ी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं, लेकिन स्टिल आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, आप हर काम नहीं कर सकते। अब जैसे अलाउड का जो आपको काम है उसमें ये आपके पास एक्टिविटीज लिखी हुई है, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह लिखी हुई है, आप गोल्फ खेलें, स्विमिंग करें, वॉकिंग करें आउटडोर ट्रेडमिल पे, स्टेशनरी बाइसाइकिल आप यूज करें, क्रॉस कंट्री स्कीइंग करें, बॉलिंग है, लो इम्पैक्ट एरोबिक्स हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं, ये आपको अलाउड है। आपका ये जो ट्रीटमेंट है THR या THA, ये आपको ये सब कुछ अलाउ करता है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बड़े ध्यान देखभाल करके करनी पड़ती हैं। क्रॉस कंट्री स्कीइंग है, रोलेटर ब्लेडिंग, आइस स्केटिंग, डाउन हिल स्कीइंग, ये सारी जो वो एक्टिविटीज हैं जिनमें एक तो आपके जॉइंट के ऊपर जो है वो स्ट्रेस पड़ जाता है, ठीक है, और इंजरी के चांसेस जो है उसमें ज्यादा। अब नॉट अलाउड क्या है, वो मैक्सिमम कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स या वो मैक्सिमम या विगरेस एक्टिविटीज अगर आप उसको कहें, हाई डिमांड एक्टिविटीज, हाई स्ट्रेस एक्टिविटीज जो आपके जॉइंट के ऊपर वेट बेरिंग कॉज कर रही होती है, वो सारी की सारी आपको क्या है, नॉट अलाउड है, वो आप नहीं करेंगे, फिर वो आपकी रिस्ट्रिक्शन में आ जाएंगे। जॉगिंग है, रनिंग है, बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल, रैकेट बॉल, स्क्वाश है, स्नोबोर्डिंग, अब ये डिफरेंट आपकी जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, हाई इम्पैक्ट एरोबिक्स, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, सॉकर है, इन सब में आपका जो बेसिक जो है ना वेट बेरिंग का जो इफेक्ट है जॉइंट के ऊपर वो मैक्सिमम होता है, इस वजह से ये आपको आफ्टर THA वो आपको अलाउड नहीं है। अब हर जी मैम, लेकिन हम जो पेशेंट्स को अगर ये कहें कि ये आपको अलाउ है, तो वो तो कहते हैं करते नहीं है इस चीज में कि हमारा कोई और चीज ना, मतलब और फ्रैक्चर ना हो जाइए वो, तो मैम इस एक्सरसाइजेस से जो जो अलाउ है वो तो उसकी जो है उसका और ज्यादा उसको बेहतर करने के लिए ना, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि वो करे लाजमी। नहीं, जरूरी नहीं है, डेफिनेटली। अब देखो एक हाउस वाइफ आई है, आपको क्या जरूरत पड़ी आप उनको कहें कि आप गोल्फ खेलें, वो तो पहले भी गोल्फ नहीं खेलती थी। ये तो उन लोगों के लिए है जो आपके पास इंजरी से पहले भी इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, तो अब आप उनको कौन बताएंगे कि अब आपको क्या क्या अलाउड है और क्या आपको अलाउड नहीं है। अगेन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेक्ट। लेकिन मैम उनको हम ये तो कह सकते हैं ना कि आपने वॉक करनी है, ये जॉगिंग करनी है, ताकि आपके ताकि आपकी जो वो एक नॉर्मल लाइफ में आप वापस आ सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको अलाउड चीजें हैं उनमें से जो आपकी कंडीशन को बेहतर करने वाली है आप जरूर उनको कहें। अब वो फिर अगेन पेशेंट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है वो करे या ना करे, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, अब हर इंसान को, हर आर्थराइटिस के केस को, हर हाइपोमोबिलिटी के केस को हम THA जो है वो रिकमेंड नहीं कर सकते। इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है और कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि इन एनी केस आप उसमें ये काम नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिल्कुल नहीं। रिलेटिव का मतलब ये है कि एट दैट टाइम आप THA नहीं उसको प्रोड्यूस कर सकते, उस पर प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जब वो सिचुएशन सबसाइड करे या आप पहले उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करें, उसको ट्रीट करें, देन आप THA की तरफ जा सकते हैं। तो एब्सोल्यूट जो है उसमें एक्टिव जॉइंट इन्फेक्शन, इन एनी केस नो। सिस्टमैटिक इन्फेक्शन और सेप्सिस फैल जाएगा, फेटल कंडीशन है। क्रॉनिक ऑस्टियोमेलाइटिस केस है, सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ बोन आफ्टर
रिसेक्शन ऑफ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर के बाद अगर आप करना चाह रहे हैं उसमें ऑब्वियसली ऑलरेडी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की वजह से बोन लॉस इतना ज्यादा हो चुका हुआ है कि वो जो अगर आप इम्प्लांट लगाएंगे भी तो वो फिक्स नहीं होगा, वो वहां पे स्टेबल नहीं रह सकेगा, वो प्लांट लूज हो जाएगा, इम्प्लांट जो है ना वो लूज कर जाएगा, बात अगेन आपकी वहीं पे आ जाएगी, बैक टू स्क्वायर वन पे पहुंच जाओगे आप। न्यूरोपैथिक हिप ज्वाइंट है, सीवियर पैरालिसिस ऑफ मसल सराउंडिंग द ज्वाइंट, अगर आपके मसल ही आपको सपोर्ट करने वाले नहीं है तो आपने इम्प्लांट लगा के क्या करना है? इम्प्लांट तो आप उस वक्त दे रहे हो ना ताकि आप पेशेंट को फंक्शनल रख सको। अब फंक्शनल रखने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है, जो मसल्स हैं, उनका ही पैरालिसिस है, पेशेंट खड़ा ही नहीं हो सकता, वेट बेयरिंग कर ही नहीं सकता, तो आपको इम्प्लांट की तरफ जाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये वो केसेस हैं जिसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। रिलेटिव में क्या आ जाता है? लोकलाइज इन्फेक्शन है सच एज ब्लैडर और स्किन, पहले उसको ट्रीट करना जरूरी है, देन गो फॉर टीएचए। इनसफिशिएंट फंक्शन ऑफ ग्लूटियस मीडियस मसल, वीकनेस वगैरह है, ठीक है, उसको ट्रीट करें। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उनको ट्रीट करें। हाईली कॉम्प्रोमाइज और इनसफिशिएंट फेमोरल और एसिटेबुलर बोन सॉकेट एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव बोन डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस काइंड ऑफ केसेस, अब वो आपके इम्प्लांट को जो है वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। पेशेंट रिक्वायर एक्सटेंसिव डेंटल वर्क, डेंटल सर्जरी शुड बी कम्प्लीटेड बिफोर आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है। अब डेंटल सर्जरी जो है वो आपको पहले उसको कंप्लीट कराना है, देन आप मूव करेंगे टीएचए की तरफ। यंग पेशेंट हु मस्ट और आर मोस्ट लाइकली टू पार्टिसिपेट इन हाई डिमांड एक्टिविटीज, अब यंग पेशेंट्स के अंदर हम टीएचए की तरफ या रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाते, क्योंकि याद रखिएगा बेटा रिप्लेसमेंट जो है ना वो अल्टरनेटिव नहीं है किसी नेचुरल चीज का, नेचुरल ज्वाइंट का अल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये हम ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर करते हैं जिनको बस हमें रिक्वायर्ड हो कि बस ये फंक्शनल रहे किसी तरह से। अब एक यंग पेशेंट है, लाइक आप लोग जैसा कोई पेशेंट, आप लोगों की एज का कोई है जिसने आगे जो है वो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना है, उसकी आगे पूरी लाइफ एज जो है वो पड़ी हुई है, तो ये रिप्लेसमेंट जो है वो उस पेशेंट को क्या कर देगी, एक तरह का कॉम्प्रोमाइज कर देगी, उसकी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा जो है ना वो लो कर देगी, कॉम्प्रोमाइज कर देगी। अब ये रिलेटिव इसलिए है कि अगर लेट्स से, मतलब हम यंग पेशेंट्स के अंदर नहीं करते, बट अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ गया है कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, तो फिर तो जरूरी बन जाएगा ना कि आप उसको जो है वो टीएचए की तरफ लेके जाओ, क्योंकि बाहर आल आपने जिंदगी तो मैटर करती है ना सबसे ज्यादा, उसको आपने सबसे ज्यादा पहले फोकस करना होता है। जब आपके पास जी मैम ये डेंटल सर्जरी वाला पॉइंट समझ नहीं आया। अच्छा मैं बताती हूँ, अब जैसे आपकी अभी मैं आपको क्या बता रही थी, यंग पेशेंट्स का बता रही थी कि अगर आपकी बिल्कुल कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता तो फिर जो है वो आप टीएचए की तरफ जाते हैं। अच्छा इसमें जो डेंटल सर्जरी से रिलेटेड चीजें हैं वो डेंटल सर्जरी का ये मैं आपको जो है ना वो डिटेल इसकी जो है वो थोड़ा सा देख के बताऊंगी कि डेंटल के साथ इसका क्या लिंक बनता है, कि क्यों जो है वो हम इम्प्लांट जो है वो ड्यूरिंग या जो सेशन चल रहा होता है डेंटल सर्जरी का उसमें हम क्यों नहीं करते, मेडिकेशन का इफेक्ट है या इसमें जो है वो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसको मैं इंशाल्लाह आपको देख के बताऊंगी। अब हिप के जो फ्रैक्चर्स हैं ये कॉमन है, अभी जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत सारे एरियाज हैं जो कि आपके फ्रैक्चर हो सकते हैं, लाइक ये आपके हेड के डिफरेंट एरियाज के ऊपर जो है फ्रैक्चर है, हेड और नेक का हो सकता है, नेक और शाफ्ट का फ्रैक्चर है, इंटरकंडाइलर फ्रैक्चर आ जाते हैं, सॉरी ये इंटरट्रोकेंटल फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, शाफ्ट का आ जाता है, देन नीचे अगर जाएंगे तो कंडाइल्स के फ्रैक्चर जो है वो आ जाते हैं। तो ये आपके जो हिप के फ्रैक्चर्स हैं ये बड़े कॉमन साइड है। अच्छा इसमें जो है ना वो हम फ्रैक्चर्स को दो में डिवाइड करते हैं, इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। इंट्रा कैप्सुलर हम फ्रैक्चर्स हम उनको कहते हैं कि वो सारे एरियाज जो आपके हिप जॉइंट के कैप्सूल के प्रॉक्सिमल होते हैं, यानी कैप्सूल का जो एरिया है उसके अंदर अंदर वाले जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रा कैप्सुलर, और कैप्सूल के एरिया के बाहर जो आपके पास आ जाते हैं फ्रैक्चर्स उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर। इसमें ये इंटरट्रोकेंटारिक है,
सब ट्रोकेंटारिक है, शाफ्ट का आ जाता है, ये फेमरल नेक फ्रैक्चर है, इसके बाद ये आपके सब कैपिटल फ्रैक्चर है, हेड का एरिया है, फेमरल हेड फ्रैक्चर जो इटसेल्फ उसके बिल्कुल टिप बनती है हेड की, ये वो एरिया। तो ये आपके डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स हैं जो इसमें जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। ये आपको मैंने इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर के बताई, ठीक है। तो अब इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसके रिक्वायर्ड होते हैं, समटाइम्स हमें जो है वो नेल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये नेल्स हैं, ठीक है। कि आपने क्या किया कि जैसे अब ये एरिया था, ये नेक का फ्रैक्चर था, नेक हेड का, ठीक है। अब आपने क्या किया कि यहाँ से ये सर्जिकल ट्रीटमेंट से सारे इसमें आप नेल्स जो है वो पुट करते हैं, ठीक है, और ये जो फ्रैक्चर्ड साइड थी उसमें से पास करते हैं आप, तो वो इसको ये जो नेल्स हैं ये इन दोनों जो ब्रोकन एरियाज हैं, फ्रैक्चर्ड पार्ट्स हैं, उनको क्या करती हैं, जोड़ देती हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और फर्दर, ये पीछे जो पिक्चर थी वो नेल्स आपने इंट्रामेडुलरी नेल्स से, ये आपकी नेल्स और प्लेट्स आ जाती हैं साथ में। अब ये प्लेट है और इसको रीइंफोर्स किया हुआ है आपके इसके साथ नेल्स के साथ, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो आपके पास प्रोसीजर होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स के लिए। बट आपने आपको जो है ना वो प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखा करें, डिस्टर्बेंस इससे क्रिएट होती है। अच्छा, अगला प्रॉब्लम हमारे पास जो आ जाता है हिप से रिलेटेड वो है पेनफुल हिप सिंड्रोम। अब पेनफुल हिप सिंड्रोम जो है वो क्यों हो सकता है, फेमोरो एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट की वजह से, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है, मस्कुलर टेंडनेस फैक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं, उसकी वजह से हिप में जो है वो पेन है। अब मस्कुलर टेंडनेस क्या है, टेंडिनोपैथीज हैं, मसल के स्ट्रेन्स हैं, रेपिटेटिव ट्रॉमाज हैं, आप बार बार जो है वो किसी स्ट्रेस से जो है वो गुजर रहे हैं, किसी लोड बार बार आपके ऊपर लोड ऐसा प्लेस हो रहा है वो आपको कॉज कर सकता है पेन, ठीक है। इसी तरह से फिर आपके बर्साइटिस, बर्साइटिस जो है वो यहाँ पे भी बर्सास जो है वो काफी तरह के प्रेजेंट है। ट्रोकेंटारिक बर्साइटिस है जो आपके ग्लूटियस मैक्सिमस और ट्रोकेंटारिक एरिया पे प्रेजेंट है, उसका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो पेन आपकी हिप में जो है वो रेफर करता है। इसी तरह से सॉस बर्साइटिस है, सॉस मेजर के साथ जो बर्सा प्रेजेंट है, ईस्कियोग्लूटियल बर्साइटिस, टेलर्स जो बॉटम भी हम इसको कहते हैं, टेलर्स बर्साइटिस, वीवर्स बॉटम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। कि ज्यादा देर बैठने की वजह से कि जो ईस्कियम बोन है वहां पे आपके जो बर्सा प्रेजेंट है जमीन पे बैठने से, और खास तौर पे क्रॉस लेग्स करके बैठने से, जो खास एक पोस्चर है टेलर्स का, जमीन पे बैठ के काफी देर बैठ के काम करते हैं तो वो जो कंप्रेशन पड़ता है वो इन्फ्लेम कर देता है आपके बर्सा को, तो वो बर्साइटिस भी आपको क्या करता है, पेन कॉज कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम्स है उनको हमने ट्रीट किस तरह से करना है। अब ट्रीटमेंट में बेटा जो पुरानी चीजें है ना उनको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज, मिनिमम प्रोटेक्शन फेज, फंक्शनल जो है वो फेज, कंट्रोल्ड फेज, ये सारी चीजें ना आप लोगों ने ऑलरेडी थेरा वन में पढ़ी हुई है, ये सारी की सारी सेम है, बस कंडीशन टू कंडीशन जो है वो चीजें वेरी करती हैं। ये चीजें आप लोगों ने बुक से खुद पढ़नी है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज अगर आपके पास है तो उसमें आपने पेशेंट के हिप को किस डिग्री एंगल के ऊपर रखना है, वो सारी चीजें आपको पता है कि पेशेंट की एजुकेशन करनी है, आपने आइसोमेट्रिक्स बताने हैं, आपने मोडालिटीज यूज करनी है, आपने जो है वो कंट्रोल फेज के अंदर जाके उसको फंक्शनल करना है, उसमें आप स्ट्रेचिंग भी कराएंगे, मोबिलाइजेशन भी कराएंगे। अब मोबिलाइजेशन क्या है ये भी पढ़ चुके हो, स्ट्रेचिंग कैसे होती है ये भी पढ़ चुके हो, आप आरओएम एक्टिविटीज को भी पढ़ चुके हो, आप रेंज ऑफ मोशंस का भी आपको पता है, तो इन चीजों के ऊपर जो है वो मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, ये आपने खुद पढ़नी है। बट डोंट थिंक कि ये आपके कोर्स में से एक्सक्लूडेड है, बुक में लिखी हुई है, ये सारा कुछ आपने पढ़ना है। मैं आपको वो चीजें बताने लगी हूँ जो स्पेसिफिकली उसकी इंटरवेंशन से रिलेटेड है, कोई स्ट्रेचिंग वगैरह काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ये मैं आपको जो है वो इस टाइम पे बताऊंगी। अब जैसे यहाँ पे हम अगर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास स्ट्रेच आ जाता है रेक्टस फेमोरस का, खास तौर पर हिप के फ्लेक्सर मसल्स का।
ठीक है, कि हिप की अगर एक्सटेंशन को इंक्रीज करना है तो हमें फ्लेक्शन जो है वो करनी पड़ेगी। ये आपका थॉमस टेस्ट भी है, शायद आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स में पढ़ा हो। अब इसमें एज के ऊपर पेशेंट को रखते हैं और एक लेग को फ्लेक्स कर लेते हैं और दूसरे को ड्रॉप होने देते हैं। जो ड्रॉप होना है वो बेसिकली ग्रेविटी की असिस्टेड एक तरह का स्ट्रेच आ जाता है, वो आपको फ्रंट के ऊपर जो है वो मसल्स को स्ट्रेच देता है। ठीक है, रेक्टस फेमरस खास तौर पे इसमें स्ट्रेच हो रहा है। अब दूसरे केस के अंदर ये जो सेल्फ स्ट्रेच आप बता सकते हैं वो लंज पोजीशन है। ठीक है, फॉरवर्ड लंज पोजीशन, इसमें भी आपके जो है वो मसल्स स्ट्रेच होंगे। किस लेग के? पोस्टीरियर लेग के। ठीक है, पोस्टीरियर लेग के जो मसल्स हैं वो आपके स्ट्रेच होंगे। इसके अलावा ग्लूटियल मसल्स का स्ट्रेच हमने स्पाइन के केस में भी पढ़ा था। क्वाड्रेप पोजीशन से आप क्या करते हैं, पेशेंट को कहें कि आपने अपने जो एंकल सिटिंग है या ये जो आपके पांव के ऊपर बैठना है, नील सिटिंग पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, ये आपने करनी है। ठीक है, अब नील सिटिंग में क्या होगा कि ये जब आपके ये जो पोस्टीरियर साइड के मसल्स हैं, आपके रेक्टस स्पाइनी, आपका ग्लूटियल मसल, ये सारे क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेल्फ स्ट्रेच है। इसके अलावा अगर आप एडक्टर मसल्स को जो है वो स्ट्रेच करना चाहते हैं तो वॉल के साथ आप पेशेंट को जो है वो लाइन पोजीशन में ले आए। ठीक है, और लेग्स जो है वो वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, अब वॉल से सपोर्ट मिलती रहेगी और जब आप एडक्शन करेंगे तो ये जो इनर थाई मसल्स हैं इनके ऊपर स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स जो है वो टाइट हो जाते हैं, जो कि आपका पिरिफॉर्मस मसल है। पिरिफॉर्मस मसल के लिए हम फिगर ऑफ फोर का स्ट्रेच जो है वो बनाते हैं कि आप क्रूक लाइन पोजीशन में आ जाते हैं और जिस साइड का आपने मसल स्ट्रेच करना है वो लेग आप उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे और एंकल को अपने नी के ऊपर प्लेस कर लेते हैं। अब आप गौर करो तो ये फिगर ऑफ फोर बनता है। ठीक है, ये फोर फोर का फिगर बन रहा है। तो फिगर ऑफ फोर जो है ना वो बेसिकली आपके जो पिरिफॉर्मस मसल है उसको स्ट्रेच करती है। साथ साथ करके देखते रहा करो ताकि ये चीजें जो है वो एक दफा हाथ से गुजरी होंगी, प्रैक्टिस हुई होगी तो भूलेंगी नहीं। फिगर ऑफ फोर को ही जो है वो हम इस एक और तरह से भी जो है वो यूज कर सकते हैं पिरिफॉर्मस को ही स्ट्रेच करने के लिए। वो उसमें यह है सिटिंग पोजिशन के अंदर, सिटिंग पोजिशन में आपकी लॉन्ग सिटिंग पोजिशन होगी। ठीक है, और जिस लेग को आपने स्ट्रेच करना है पिरिफॉर्मस को, वो लेग आप लिफ्ट करके आप अपने फुट को नी के ऑपोजिट साइड पे, दूसरी साइड पे जो है वो प्लेस कर लेंगे और अपनी एल्बो से, फोर आर्म से एल्बो से आप इसको जो है वो अपनी तरफ पुल करते हैं, अपनी तरफ जो है वो इसको रीइंफोर्स करते हैं। तो आपके ये जो पिरिफॉर्मस मसल है इसमें स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होती है और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी इंड्यूस करता है आपकी इंटरनल रोटेशन के लिए, क्योंकि ये खुद एक्सटर्नल रोटेशन करता है। रेक्टस फेमरस को आप सेल्फ स्ट्रेच एक और तरह से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो स्टैंडिंग के केस में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग में क्या है कि सिंपल आपने खड़े होना है, आपने अपने नी को जो है वो फ्लेक्स करना है और अपने फुट को आपने अपने एक हैंड से ग्रैब कर लेना। ठीक है, अब अगर सिंपल आप इसको ग्रैब करके अपने सिर्फ जो फुट है उसको बटक के साथ अगर प्रेस करते हैं ना, तो भी आपके ये स्ट्रेच सामने मसल्स के ऊपर, रेक्टस फेमरस के ऊपर आ जाता है, अगर टाइट बहुत ज्यादा हुआ है। लेट से अगर ये काम करने से आपको लगता है कि आपको स्ट्रेच प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हिप को हाइपर एक्सटेंड भी कर सकते हैं उसको प्रोग्रेस करने के लिए। हाइपर एक्सटेंड करते हैं तो अपर अटैचमेंट से भी स्ट्रेच आ जाएगा और लोअर अटैचमेंट से ऑलरेडी स्ट्रेच आ रहा है, ये कंप्लीट आपका मसल क्या हो जाता है, उससे स्ट्रेच करता है। अच्छा, इसके अलावा हैमस्ट्रिंग मसल्स का जो सेल्फ स्ट्रेच है आसान है, स्ट्रेट लेग रेसिंग कर सकते हैं। साथ में अगर आप एंकल की जो है वो डॉर्सी फ्लेक्शन करते हैं उससे रीइंफोर्स हो जाता है। अगर आपको इसमें असिस्टेंस थोड़ी सी चाहिए तो आप क्या करें कि डोर वे में जो है वो पेशेंट को आप गाइड कर सकते हैं कि आप डोर वे में जो है वो लेट जाए। ठीक है, और एक टांग जो है वो आपने डोर के जो वॉल है उसके साथ आपने प्लेस कर लेनी है जिसको आप स्ट्रेच करना चाहते हैं। अब आपने खुद को स्लाइड करना है टूवर्ड्स डोर। ठीक है, जब आप स्लाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ये जो लेग है इसमें स्ट्रेट लेग रेजिंग जो है वो और होना शुरू होगी। ठीक है, ये वॉल के साथ स्लाइड करेगी ऊपर की तरफ तो वो स्ट्रेच जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको मजीद री इन्फोर्स करने के लिए आप वॉल से अपनी लेग को हटा लें।
कि पहले वॉल के साथ कॉन्टेक्टेड था, अब इसको आप हटा लें, अगेन वही स्ट्रेट लेग रेजिंग आ जाती है. तो डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीकों से आप पेशेंट को गाइड कर सकते हैं. टेंसर फेशियल आता है, ये मसल भी आप जो है वो उसी तरह से फिगर ऑफ फोर की तरह से आप उसको कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं. ठीक, इसको स्ट्रेच करने का एक और जो है वो तरीका ये है कि आप साइड लाइन में जो है वो पेशेंट को जो है वो लिटा लें, ठीक है, और उसके बाद एक लेग आपकी जो है वो बेंड रहेगी और अपर लेग को जो अगर आपने जो है वो करना है, स्ट्रेच करना है, तो आप अपर लेग को ग्रेविटी असिस्टेड जो है वो नीचे जाने दें. अगर आप बेड के एज पे आ जाएंगे और टांग को जो है वो नीचे की तरफ जाने दें, मजीद बेड से नीचे जाने दें, तो वो आपके लिए मजीद आसानी वाली बात है, मजीद उसके अंदर जो है वो स्ट्रेच आ जाता है. खड़े होके भी आप काम कर सकते हैं. खड़े होके किस तरह से कर सकते हैं कि आप वॉल के साथ जो है वो अपने आप को स्टेबल कर लें, ठीक है, और एक लेग जो जिसको आप स्ट्रेच करना चाह रहे हैं उसको मिड लाइन से भी अवे लेके जाए. एबडक्टर है ना, एबडक्टर को स्ट्रेच हम करेंगे मैक्सिमम एडक्टेड पोजीशन के अंदर, तो मिड लाइन से भी अवे जब आप लेके जाओगे टांग को, लेग को, तो वो आके क्या करेगा, टेंसर फेशियल आटा के ऊपर आपको स्ट्रेच जो है वो दे सकता है, ठीक है. देन हमारे पास आ जाती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. अब मसल में जो इम्बैलेंस है, दूसरे काइंड का इम्बैलेंस जिसमें आपका मसल वीक है और आपको रिक्वायर्ड है कि आप उसकी स्ट्रेंथनिंग प्रोड्यूस करें, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करें उसके अंदर, तो वहां पे फिर आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आ जाती है, ठीक है. अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट काइंड डिफरेंट तरीकों से हम कर सकते हैं. उसमें आप वेट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, एंकल वेट्स हैं, या फिर आप जो है वो थेराबैंड्स यूज कर सकते हैं. थेराबैंड से बहुत आसानी से जो है वो बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेस, बड़ी काइंड की एक्सरसाइजेस जो है वो हो जाती हैं. अब जैसे कि ये पिक्चर के अंदर एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो पेशेंट कर रहा है सिटिंग पोजीशन के अंदर, ठीक है, और इसमें क्या है कि साइड से थेराबैंड जो है वो उसकी लेग के साथ टाई किया हुआ, ठीक है. अब थेराबैंड की रेजिस्टेंस जो है वो लेग को ऑपोजिट साइड पे पुल कर रही है. आप क्या कर रहे हैं या पेशेंट क्या कर रहा है, उसको इनवर्ड मूव कर रहे हैं एक्सटर्नल रोटेट करने के लिए, ठीक है. तो ये आप सिटिंग पोजीशन के अंदर थेराबैंड को इस तरह से यूज कर सकते हैं. और बड़ी काइंड की पोजीशंस हैं इसमें. आप अब जैसे ये जो ए मूवमेंट है इसमें रेजिस्टिंग हो रही है एक्सटेंशन की, ठीक है, और ये थेराबैंड जो है उसको आगे की तरफ जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, आप हाइपर एक्सटेंशन कर रहे हैं. अब बी के अंदर क्या है, एबडक्शन की रेजिस्टेंस हो रही है, ठीक, तो ये उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हो रही है. एज अ थेरेपिस्ट आप मैनुअली ये काम कर सकते हैं, बट एज अ सेल्फ प्लान, एज अ होम प्लान, आप पेशेंट को ये सारा कुछ गाइड कर सकते हैं, ठीक है. थेराबैंड ले लें या और इसको इक्विपमेंट से जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं. हिप एबडक्टर एंड हाइकर मसल्स फॉर फ्रंटल प्लेन स्ट्रेंथनिंग एंड स्टेबिलिटी. अब हिप के जो आपके एबडक्टर्स हैं और जो इसके हाइकर मसल्स हैं जो आपके क्वाड्रेटस लंबोरम में भी आ जाते हैं, उनका कंट्रोल डेवलप कराने के लिए छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस होती हैं. लाइक सिंपल आप पेशेंट को जो है वो एक स्टेप, छोटा सा स्टेप है उसके ऊपर आप खड़ा करा रहे हैं और उसमें जो है वो आप हिप की हाइकिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं. हिप की हाइकिंग जब आप करेंगे, बॉडी वेट आपका इंड्यूस है, आप यहाँ पे वेट भी पुट ऑन कर सकते हो, ठीक है, अपर साइड पे आप कोई वेट जो है वो एक्सटर्नल लगा सकते हो, तो वो रीइंफोर्स करेगा आपकी जो फोर्स है, जो स्ट्रेंथ है. आप हिप की हाइकिंग जो है वो कंट्रोल डेवलप आपको कराएगी मसल्स का. इसी तरह से आपकी जो हिप के एक्सटेंसर मसल्स हैं उनको हम ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू जो है वो उसमें कंट्रोल डेवलप कराते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग कॉज करते हैं, ठीक है. अब ये जो आपकी हिप हाइकिंग, सॉरी पेल्विस की ब्रिजिंग है, या इसको हम एक और नाम भी होता है इसका, मेरे माइंड से इस वक्त निकल गया है, बहरहाल हम इसको पेल्विक ब्रिजिंग बोलते हैं. तो इसमें भी सबसे पहले काम क्या करना होता है, आपने अपने जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनको टाइट अप करना है, ठीक है. जब आप वो टाइट अप करेंगे तो वो जो बॉडी वेट आपका इंड्यूस हो रहा है आप उसको क्या करेंगे, उससे आपके हिप के एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग जो है वो हो रही है. आप वेट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप एब्डोमेन के ऊपर वेट्स जो है वो पुट ऑन कर सकते हैं. डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, पहले पेशेंट को नॉर्मल के ऊपर जो है वो आपको स्किलफुल करना होता है. अब इसमें फंक्शनल एक्टिविटीज भी अब आ जाएंगी. अब
एट दी एंड हम जा किस तरफ रहे हैं, पेशेंट को फंक्शनल करना है, फंक्शनल के अंदर आपका जो है वो कंट्रोल, स्टेबिलाईजेशन, ये सारा कुछ आ जाता है. अब फिर अगेन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आप उसको किस तरह की फंक्शनल एक्टिविटीज में लाना चाहते हैं या वो खुद किस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है आफ्टर इंजरी. तो आप उसमें क्या है, ये वॉल स्लाइड्स हैं या जिसको हम पार्शल स्क्वाट्स भी बोलते हैं, मिनी स्क्वाट्स आप ये प्रोड्यूस करा सकते हो. ठीक है. अच्छा, अब ये जो स्क्वाटिंग है या मिनी स्क्वाटिंग है, इसका फायदा क्या है, ये बेसिकली आपके एक्सेंट्रिक कंट्रोल डेवलप कर रहा होता है. एक्सेंट्रिक कंट्रोल किस तरह से, क्योंकि देखो आपका बॉडी वेट जो है वो ग्रेविटी आपको नीचे को पुल कर रही है. ठीक है, वेट आपका नीचे जा रहा है, ग्रेविटी आपको नीचे पुल कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स है ये एक तरह की. और आपकी मूवमेंट भी किधर है, जब आप स्क्वाटिंग में नीचे जाते हैं मूवमेंट भी एक तरफ रेजिस्टेंस की तरफ मूवमेंट हो रही है, आपको बड़ा कंट्रोल डेवलप चाहिए यहाँ. अगर आपके मसल्स के अंदर कंट्रोल नहीं होगा आप दब से नीचे गिर जाओगे. ठीक है, आपके ये जो नी और आपके खास तौर पे हिप के मसल्स हैं, क्योंकि ये हिप आपको यहाँ पे कंट्रोल दे रहा है, नी तो आपका फुलक्रम है, हिप के मसल्स आपको यहाँ पे कंट्रोल दे रही हैं. तो हिप के मसल्स में अगर एक्सेंट्रिक कंट्रोल नहीं होगा कि वो ग्रेविटी और मूवमेंट को इकट्ठा जो है वो लेके ना चलेगा, तो वो आपको यहाँ पे ये मूवमेंट प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा. ये जो स्क्वाटिंग है, खासतौर पे स्क्वाटिंग में नीचे जाने का जो फेज है, ये आपका एक्सेंट्रिक कंट्रोल डेवलप करता है. और वापस ऊपर आने का जो फेज है वो आपका कंसेंट्रिक कंट्रोल जो है वो डेवलप करा रहा है. ठीक है, कंसेंट्रिक कंट्रोल आपकी स्ट्रेंथनिंग कॉज कर. अब ये जो स्क्वाटिंग है इसको आप मेडिसिन बॉल पीछे रखवा लें, ये आपकी जो है वो बैलेंस आपको जो है वो यहाँ पे करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, साथ में एक आर्म अगर आप जो है वो लिफ्ट रखते हैं, एक आपकी साइड पे होती है, तो ये आपकी क्या है, बैलेंस इशू आ जाएगा. अब बैलेंस को मेंटेन करते हुए स्क्वाटिंग करना मजीद बढ़ जाएगा. पेशेंट टू पेशेंट जो है वो आपकी वेरी करती है ये चीजें. और एक पेशेंट अगर आपका इसमें स्किलफुल हो गया तो आप उसको इस पार्ट के ऊपर ले जाओ. ठीक है, प्रोग्रेस करना है आपने. तो जहां तक आपके पेशेंट की प्रेफरेंसेस जाती हैं, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, आप उसमें प्रोग्रेशन का एलिमेंट जो है वो टाइम टू टाइम ऐड करते हैं. अल्टीमेट गोल आपका क्या है कि आपने जो पेशेंट है उसको स्टेबलाइज करना, फंक्शनल करना. सिंगल लिम्ब डेडलिफ्ट टू स्ट्रेंथन द हिप एक्सटेंसर्स एंड डेवलप कंट्रोल इन द नी. अब ये आपकी फंक्शनल एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा, इसको हम सिंगल लिम्ब डेडलिफ्ट कहते हैं. अब इससे हो क्या रहा है, ये बेसिकली आपके हिप के जो एक्सटेंसर्स हैं उनको स्ट्रेंथन अप करेगा बॉडी वेट की वजह से. ठीक है, और साथ में आपके नी का कंट्रोल जो है वो डेवलप होगा इस, क्योंकि वेट इस टाइम किस वक्त आ कहाँ पे आ रहा है, एक लेग तो बिल्कुल हवा में है ना, अनसपोर्टेड है, सिर्फ एक ही लेग के ऊपर सपोर्टेड है, आपका वेट भी है, सारा कुछ आपका बॉडी वेट भी, आपका ग्रेविटी भी है. ठीक है, तो ये आपके नी का जो है वो कंट्रोल डेवलप करा रहा है, दोनों काम हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं और साथ में आपके हिप के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है. पार्शियल लंजेस जो है वो आप कर सकते हैं विद केन असिस्टेंस टू डेवलप बैलेंस एंड कंट्रोल ऑफ लोअरिंग बॉडी वेट. ठीक है, कि जब आपने लंजेस के अंदर बॉडी वेट को लोअर डाउन करना है, वो भी आपका क्या है, सेंट्रल कंट्रोल डेवलप करता है. लेकिन अगर पेशेंट को असिस्टेंस की जरूरत है तो आप पेशेंट के हाथ में जो है वो केन पकड़ा दें. ठीक है, आप पेशेंट का बैलेंस उससे मेंटेन हो जाएगा, बैलेंस मेंटेन होगा, कंट्रोल होएगा, तो वो अच्छे से जो है वो चीजों को परफॉर्म कर सकेगा. असिस्टेंस के साथ जब वो एक दफा स्किलफुल हो जाएगा, फिर आप बेशक असिस्टेंस रिमूव कर दें, फिर पेशेंट उसको बगैर असिस्टेंस के करेगा. ठीक, तो ये आपका इंटरवेंशन थी, खासतौर पर जो हिप से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम हैं इसकी हैं. अब अगेन आपको बता रही हूँ बेटा कि वो जो ईच एंड एवरी स्टेप है, पेशेंट एजुकेशन, आइसोमेट्रिक्स, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन, ग्रेड वन की मोबिलाइजेशन, ग्रेड टू की मोबिलाइजेशन, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं. मैं अगर इनके ऊपर आपको दोबारा से थेरा वन पढ़ाना शुरू करूंगी तो वो बिल्कुल एक अजीब सी बात लगेगी कि एक चीज आप पढ़ आए हो तो उसको मैं दोबारा क्यों पढ़ाऊँ. थेरा टू की जो काम की चीजें हैं, जो आपकी बायो मैकेनिक्स से रिलेटेड, उसको लिंक करना और आपको ये बताना कि जी आपने किस तरह की इंटरवेंशन करानी है, क्या क्या करा सकते हो, बेसिक जो
फोकस है वो एक्सरसाइजेस के ऊपर है, तो जो जो एक्सरसाइजेस आप करा सकते हो उस पर फोकस रहेगा, बाकी चीजें आप लोगों ने खुद पढ़नी है। ये एक्सक्लूडेड नहीं है, इसको ये मत समझना कि ये एक्सक्लूडेड है, ये आपने बुक में से खुद पढ़नी है। फेजेस रिलेटेड जो सारा नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज खासतौर पे, वो आपने बुक में से खुद जो है वो गेन करना। यहाँ तक बेटा कोई चीज समझ में नहीं आई है आज के लेक्चर में तो वो पूछ लीजिए। मैम जी मैम, आपने एमसीक्यूज हमारे चेक कर लिए क्विज के? बेटा अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला, सॉरी लेट हूँ मैं इस चीज में, बट मुझे अभी तक ना टाइम नहीं मिला, कुछ मसरूफी चल रही है। ओके मैम, मैम हमें ना हाईएस्ट मार्क्स देख के भी बता दीजिएगा ताकि हमें पता हो कि हाईएस्ट कितने हैं। हाँ मैं बताऊंगी इंशाल्लाह, वो जो तीन आप एमसीक्यूज कह रहे हैं ना उसको मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगी आपसे। ओके मैम। अच्छा आप कह रही हैं कि जो कीगल और कैट कैमल एक्सरसाइजेस हैं वो ऑलमोस्ट हर इशू में आ जाती है, पोस्टेट में भी आ जाती है। अच्छा आप ये कह रहे हो कि जो कीगल एक्सरसाइजेस और कैट कैमल जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी यूज कर सकते हैं, या आप इशू की बात कर रही हैं? नहीं मैम, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि काफी बैक इश्यूज में आ जाती है, यहाँ पे हेल्पफुल होती है ये। हेल्पफुल है, बिल्कुल है। कीगल जो है वो बेसिकली आपके सिर्फ और सिर्फ पेल्विस को जो है वो पेल्विक फ्लोर को अनलोड कर देती है ना मैम। लेकिन जो कैट और कैमल है वो उसमें, क्योंकि वो आपकी स्पाइन की मूवमेंट आ जाती है, स्पाइन के साथ आपका पेल्विस भी इन्वॉल्व है, तो वो आपकी ज्यादा वाइडर रेंज में मतलब काफी जगह पे यूज हो जाती है। उसमें फ्लेक्शन का एलिमेंट भी, एक्सटेंशन का एलिमेंट भी है, पोस्टीरियर टिल्टिंग इंटीरियर टिल्टिंग उसको इनकॉर्पोरेट करती है, तो वो आपकी जरा वाइड रेंज के अंदर यूज हो जाती है। मैम मैंने ना प्रोस्टेट के ट्यूमर के लिए पापा को करवाई थी एक कीजल एक्सरसाइज, उसमें मैम 2% जो है ना काफी फर्क आया था रिपोर्ट्स में, लेकिन जब उन्होंने छोड़ी तो बाद में काफी ज्यादा फिर से जो है वो उनका हो गया था। बिल्कुल, पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज होंगे उसमें कीगल काम करेगी और बेस्ट है, उसके रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, और चलें इसमें कोई और इशू बेटा, कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहा है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर लेक्चर एंड करते हैं, वैसे भी टाइम हमारा जो है वो जस्ट 4 मिनट का रह गया है। मैम मैंने आपसे पूछा था कि जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसे होता है ना कि जो जो इंसान एक्सरसाइज कर रहा था उसको क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो मैम हम जब ये वाली एक्सरसाइज कराएंगे तो इनमें भी क्रैम्प्स पड़ेंगे या वो कोई नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए नहीं होता? कीगल की बात कर रही हैं आप फास्ट में? यस मैम। कीगल एक्सरसाइजेस बेटा बड़े उसमें कुछ गाइडलाइंस इस तरह की हैं कि कीगल एक्सरसाइजेस जो है ना वो आप ज्यादा भी रिपीट नहीं करते हैं, आप उसका ड्यूरेशन भी बहुत थोड़ा रखते हैं, कि वो जो होल्डिंग टाइम है ना वो बहुत थोड़ा रखते हैं। उसकी वजह भी यही है कि कीगल मसल्स जो है वो सॉरी जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स है ना वो बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं, तो फटीग होंगे तो वो प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे, इसलिए हम ना ज्यादा उसकी एक्सरसाइज इस तरफ लेके ही नहीं जाते कि या तो वो फटीग हो या उनमें क्रैम्पिंग और जो डोम्स वाला इशू है वो हो। ठीक है, अदरवाइज जो आपके बाकी के मसल्स हैं उनमें वो जो आप क्रैम्पिंग की बात करो वो बेसिकली क्रैम्प नहीं होते, क्रैम्प एक अलग चीज है, क्रैम्प का मतलब होता है अचानक से मसल का किसी गलत एंगल के ऊपर ना अकड़ जाना, वो क्रैम्पिंग होती है। आप मेरा ख्याल है डोम्स की बात कर रहे हो, जिस जो लेमेन टर्म में हम बात करते हैं खलियां पड़ना, कि आपने एक्सरसाइज की और उसके बाद आपको लगा कि मसल जो है ना ज्यादा टाइट है, यस वो डोम्स हैं। तो डोम्स के लिए तो रिक्वायर्ड है कि बहुत विगरस एक्टिविटी आप जब करते हैं ना तब जाके आपके मसल्स के अंदर डोम्स डेवेलप होते हैं, तो कीगल को हम कभी भी जो है वो विगरस स्टेज के ऊपर इंटेंसिटी पे रखते ही नहीं, अलाउड ही नहीं। लेकिन मैम देखिए ना, जैसे हम लोग अगर कहते ट्रेडमिल भी स्टार्ट करते हैं, अगर कोई पहली दफा ट्रेडमिल स्टार्ट कर रहा है तो उसका भी उस दिन जो है वो क्रैम्प्स पड़ेंगे, उसको खलियां पड़ेंगी उस दिन, तो मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ कि मैम अगर कोई पहली दफा स्टार्ट करेगा तो उसको तो फील होगा ना। मैं वही आपको बता रही हूँ कि कीगल विग्रेस इंटेंसिटी में जाती ही नहीं है, चाहे आपने पहली दफा भी की है
ट्रेडमिल अगर आपने पहली दफा भी किया है वो आपके मसल्स के लिए बहुत ज्यादा जो है वो विगरेस एक्टिविटी होती है क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं होती है। ठीक है, कीगल को हम कभी भी विगरेस पे नहीं लेके जाते। ओके मैम, इसलिए पेल्विक फ्लोर में डोम्स वाला इशू जो है वो कॉमन नहीं है लेकिन बाकी मसल्स के अंदर ये बहुत कॉमन। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो ठीक है बेटा जी, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट टाइम जरूर डिस्कस कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है ना वो आपकी असाइनमेंट के बारे में भी बता दूंगी। ठीक है, असाइनमेंट का टॉपिक भी दूंगी, वीकेंड होगा आपके पास उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है एक दो वीक्स के अंदर अंदर आपके आई थिंक मिड्स भी स्टार्ट होने हैं। वो लेट से आपकी क्या डेट शीट आती है अभी बनी नहीं है, वो जैसे ही आएगी आपको बता दिया जाएगा। बाकी तैयारी जो है ना वो अपनी कंप्लीट रखिएगा, तो कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। मैम असाइनमेंट का आप हमें मेल करेंगी? क्या चीज मैम असाइनमेंट क्या आप हमें मेल करेंगी? हाँ मेल भी कर दूंगी और LMS के ऊपर भी अनाउंसमेंट आ जाएगी, दोनों जगह होगी। ओके मैम, हमने LMS पे अपलोड करनी होगी? देखते हैं, अगर देखते हैं सोचते हैं अभी क्या करना पड़ेगा। LMS के ऊपर ना एक पर्टिकुलर साइज है जो कि आपका अपलोड होता है फाइल का, अदरवाइज वो होती तो वीडियो असाइनमेंट जो है ना वो शायद प्रॉब्लमेटिक हो, तो गूगल फॉर्म्स ज्यादा बेहतर है। मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो बता दूंगी, उसको पूरा इंटीमेट कर दूंगी आपको। ओके मैम, चलिए ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।